रीवा में कल रीजनल इंडस्ट्रियल समिट हो रही है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का एक बहुत ही अच्छा निर्णय रहा है कि हम संभागीय मुख्यालयों में रीजनल इंडस्ट्रियल समिट करेंगे और वहाँ पर जो उत्सुक लोग हैं उनको वहाँ बुलाएंगे और वहाँ के पोटेंशियल के बारे में उनको वहीं पर चर्चा होगी। कहाँ पर मिनरल डिपॉजिट है, कहाँ पर फूड पार्क लगाया जा सकता है, कहाँ टेक्सटाइल पार्क लगाने की संभावना है, कहाँ जहाँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम हो सकता है। हमारे विंध्य में आप जानते हैं कि सीमेंट का हब है, वो 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। ये वही इलाका है जहाँ 750 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट हम लोगों ने इसमें स्थापित किया था, दिल्ली की मेट्रो उससे चलती है और नेशनल पार्क है, तो पर्यटन की भी संभावना है और निवेश की भी संभावना है। शानदार 4 लेन की सड़कें उधर यूपी से इधर जबलपुर और झांसी और चारों तरफ विश्वस्तरीय सड़कें बन के तैयार हो गई है। रेलवे लाइन का काम सीधी से सिंगरौली का युद्ध स्तर पर चल रहा है और उसके साथ ही साथ एयरपोर्ट भी बन गया है। तो निवेश की लिए जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो विंध्य क्षेत्र को अब प्राप्त हुआ है, जाके पूरा रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहा जाता है, जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत आवश्यक होता है, वो बन के तैयार हुआ है। और सब लोग रीवा आमंत्रित हैं, रीवा आइए और रीवा में वाइट टाइगर भी देखिए और एयरपोर्ट भी देखिए और रीवा में रीवा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो यदि आप लोग 10-15 साल पहले जो गए हों तो उनको तो बहुत फर्क दिखेगा। और इस इन्वेस्टर समिट में अच्छी तैयारी की गई है, मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो वहाँ पर आप लोग पधारे। रीवा का होने के नाते भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। 4,000 निवेशक आ रहे हैं तो आप ये मानिए कि अच्छा निवेश होगा। पहले इन्वेस्टर समिट इससे नहीं हो पाते थे कि मध्य प्रदेश में चलने लायक सड़कें ही नहीं रहती थी, गाँव अंधेरे में डूबे रहते थे, पावर सरप्लस स्टेट नहीं था। आज हमने सबसे पहले हमने इसको पावर सरप्लस स्टेट बनाया, 4 लेन से सभी संभागीय मुख्यालयों को जोड़ा और सिंचाई के नहरों का जाल बिछाया, आम आदमी के पेयिंग कैपेसिटी बढ़ाई से व्यापार बढ़ाया। तो उसके कारण जब हमने मध्य प्रदेश की मार्केटिंग की तो मध्य प्रदेश के पोटेंशियल के बारे में लोगों को मालूम पड़ा। तो जब ये होने लगा तो आप देखिए बालू आशर ने 7वां प्लांट लगाया है मध्य प्रदेश में, ऑटोमोबाइल के इतना बड़ा सेक्टर है। रिन्यूएबल एनर्जी में रीवा में यदि 750 मेगावाट का 4,500 करोड़ के निवेश में सोलर प्लांट लगा तो ये हमारे जो प्रचार प्रसार है उसी के आधार पर तो लोग यहाँ पर आए। तो सीमेंट और पावर प्लांट हमारे अब रीवा में सीमेंट बनती है, सिंगरौली में पावर बनता है, तो वहाँ कोयला इतना है, लाइम स्टोन इतना है, बन रही है। तो खनिज संपदा भी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए और हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी अच्छी होनी चाहिए, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसा वातावरण होना चाहिए। अब ये इन सब के बाद आपको ध्यान होगा कि इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होता था, एक बार खजुराहो में भी हुआ था, लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम संभागीय स्तरों में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कर रहे हैं और इसके इतने अच्छे परिणाम हैं कि रीवा में रीवा के पोटेंशियल के आधार पर हम रीवा को फोकस करके बात कर रहे हैं। तो लोगों को खींचने में, आकर्षित करने में हमको ज़्यादा आसानी है और यदि हम बड़े समूह में करते हैं तो उस समय वो आवश्यक था, लेकिन अब मध्य प्रदेश जिस स्थिति में पहुंच चुका है तो अब ये बहुत प्रासंगिक हो गया है, सामयिक है। तो इसलिए डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस बार इन्वेस्टमेंट के लिए इस तरह के प्रयोग को अपनाया है। सरकार क्यों उनको इस प्रकार के आयोजन करती है, क्योंकि हमें बेरोजगारी दूर करने के लिए अपने नौजवानों को वहाँ पर रोजगार के अवसर तैयार करना है। तो एक तो रोजगार का अवसर तैयार होता है सिंचाई का रकबा बढ़ाने से, किसान संपन्न होता है तो व्यापार बढ़ता है तो उससे रोजगार का अवसर बढ़ता है, और दूसरा पर्यटन की क्रांति हो जाए, टूरिज्म इतना बढ़ जाए। अब दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर एक सुई नहीं बनती है निर्माण के नाम, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर, लेकिन उनकी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है। तो औद्योगिक क्रांति के लिए इस प्रकार के निवेश के आयोजन किए जाएँ, लोगों को आमंत्रित किया जाए, बुलाया जाए, रेड कार्पेट बिछाया जाए, गाइए और आप लोगों को यहाँ पर हम जमीन देंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, सब्सिडी देंगे। अब हमारे क्यों, इसके पीछे उद्देश्य यही है कि जब वो इंडस्ट्री लगाएंगे तो रोजगार के अवसर तैयार होंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार।